दोस्तों 24 अक्टूबर के जो पुणे में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा, उस दूसरे टेस्ट में इंडियन प्लेइंग 11 में तीन ऐसे प्लेयर्स का होगा बदलाव और तीन ऐसे प्लेयर्स को मिलने वाला है मौका। जानिए दोस्तों कौन कौन ऐसे तीन प्लेयर्स हैं जिनको प्लेइंग 11 में दूसरे टेस्ट में मौका मिलने वाला है और कौन से ऐसे तीन प्लेयर्स हैं जिनको यहाँ पे टीम इंडिया के प्लेइंग 11 से बाहर जाना पड़ेगा। जानिए दोस्तों कौन कौन से वो तीन प्लेयर्स हैं जिनको टीम इंडिया का प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा दूसरे टेस्ट में और कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बाहर बैठाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि टीम इंडिया ने जो पहला टेस्ट खेला, उस पहला टेस्ट को हार का सामना करना पड़ा। जिस तरीका से हमारे टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैनों ने बैटिंग किया, उसके लेकर बहुत बड़ा सवाल आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए तो न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच जो पहला टेस्ट था, उस पहला टेस्ट में जिस तरीका से टीम इंडिया ने पहली पारी में सिर्फ 46 रन पर ऑल आउट हो गया था। अब इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा पारी को देखा जाए तो कुछ अधिकतम प्लेयर्स ने यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, सिर्फ जिस तरीका से पहले टेस्ट में खेला हुआ था उसी तरीका से दूसरे टेस्ट में पारी को खेला गया। प्लेइंग 11 में बदलाव कर दिया। अब बदलाव कौन कौन से प्लेयर्स को मौका मिलेगा, कौन से प्लेयर्स को बाहर जाना पड़ेगा, इस वीडियो में पूरे चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है जैसे कि सरफराज खान, किरण राहुल, तो इन दोनों के यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसे कि आप सभी को पता है कि सरफराज खान ने अपना एक शतक अपने नाम रिकॉर्ड किया और इसके साथ दोस्तों देखा जाए तो किरण राहुल यहाँ पर दोस्तों पहले मैच में उन्होंने सिर्फ 0 रन बनाया और दूसरे मैच में दोस्तों उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाया। अब क्या दोस्तों लगता है कि जिस तरीका से मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों ने बैटिंग कर रहे हैं, उस तरीका से क्या दूसरे टेस्ट में भी यहाँ पे मौका मिलेगा? तो इसके लेकर दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अब दोस्तों बदलाव यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स का होने वाले हैं, चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पे शुभम गिल जो कि अनफिट प्लेयर थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे खत्म होता है तो शुभम गिल को प्रैक्टिस के लिए उतारा गया था। अब यहाँ पे दोस्तों शुभम गिल को प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मोहम्मद शमी ने बॉलिंग कराया और यहाँ पे शुभम गिल को खूब प्रैक्टिस करवाया और इसके साथ खबर ये आ रहा है कि अगला दोस्तों जो 24 अक्टूबर का दूसरे टेस्ट होगा पुणे में, उस टेस्ट में शुभम गिल को प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी तरफ दोस्तों बात किया जाए ऋषभ पंत को, तो ऋषभ पंत को दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ऋषभ पंत है जो 99 रन पर आउट हो चुके थे, लेकिन उनके घुटने में दोस्तों चोट लग गया था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक और ऑप्शन ये बन रहा है कि ऋषभ पंत जो दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो अनफिट है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहला टीम 11 में शामिल हो चुके हैं यहाँ पे शुभम गिल, तो यहाँ पे बाहर हो चुके हैं केरल राहुल। फिर यहाँ पे दोस्तों आ रहा बात कि यहाँ पे ऋषभ पंत क्या बाहर जाएंगे, तो उनके जगह पे कौन खेलेगा? तो यहाँ पे दोस्तों एक और हमारे सामने नाम आ रहा है ध्रुवित जावेल को, जो कि भाई एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे विकेट कीपर भी है और इनके साथ साथ डेथ ओवर के बल्लेबाज भी है। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा नंबर पर बात किया जाए तो यहाँ पे मोहम्मद सिराज तो बहुत अच्छे से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम एक भी विकेट नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मोहम्मद सिराज को भी यहाँ पे दूसरे टेस्ट मैच में बाहर जाने का मौका मिल सकता है और इसके साथ साथ दोस्तों आकाशदीप को अंदर लाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों तीन प्लेयर्स हैं जिनको भाई यहाँ पे दूसरे टेस्ट जो कि पुणे में खेला जाएगा, उस टेस्ट में यहाँ पे मौका मिल सकता है